ऐसा अक्सर होता है कि हमारे दिमाग में ये चीज़ जो पैसों के लिए जो ये सब भावनाएं रखी हुई है कि पैसा बहुत बुरा चीज़ होता है या पैसे जो कमाते हैं वो अच्छे लोग नहीं होते हैं। कहने का मतलब कि अगर हमने जैसे बचपन में किसी को हम देखते हैं कि वो बहुत अच्छे कपड़े में वेल ड्रेस्ड होता है और बड़ी सी गाड़ी में जब आता है तो इतने पैसे उसके पास आए कहाँ से, ज़रूर वो कोई गलत काम करता होगा। ये मेंटेलिटी जो होती है यही हमारे मन में पैसों के बारे में गलत गलत भावना बनाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकु। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वाकई पैसा बहुत बुरी चीज़ होती है। कौन कहता है कि पैसा बुरी चीज़ होती है? अगर पैसा बुरी चीज़ होती तो क्या हम और आप दिन रात इतनी मेहनत करते? कभी नहीं करते। ये पैसा जो होता है ना, इसी से सबका घर चलता है। तो फिर ये क्यों हम मान के बैठे हुए हैं कि पैसा बुरी चीज़ होती है? या हमारे दिमाग में ये जो रख दिया गया है ना कि जैसे बचपन में कोई बात होती थी तो पैसा पेड़ पे उगता है क्या, या जितना तुम्हारा जितनी बड़ी चादर हो उतनी ही बड़ी उतनी सोच रखा करो या वैसा ही सोचो, ये सब जो बातें होती हैं ये बिल्कुल गलत धारणा है। हम जितना सोचेंगे, अगर हम आगे का सोचेंगे और कुछ सोचेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो होता है ना कि जिसके पास जितना पैसा होता है उतना ही सोच रखे, इन सब बातों पे कभी भी बिलीव मत कीजिएगा। आगे बढ़ना है, पैसे कमाने हैं, वो तो सही बात है, लेकिन हमारा एक ही मोटो है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाने हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि यहाँ पे मैं दो ऐसे पॉइंट हैं जिसके बारे में डिस्कस करूँगी जो बिल्कुल नए तरीके हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि जो लास्ट वाला पॉइंट है वो सबसे इंटरेस्टिंग है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ फिट टुकु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये आता है ना कि बचत के जो भी होते हैं ना वो लक्ष्य निर्धारित करें। देखिए, हर मंथ में आप लोगों को एक सेविंग चैलेंज देती हूँ। आने वाला जो जुलाई का मंथ है उसमें भी मैं बहुत जल्द आप लोगों को सेविंग चैलेंज देने वाली हूँ। मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आ गए हैं कि जल्दी सेविंग चैलेंज दीजिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी हमारा जून का सेविंग चैलेंज चल रहा है जो 28 जून को कंप्लीट होगा, तो मैं 28 जून के बाद ही जो जुलाई का सेविंग चैलेंज है वो मैं आप लोगों को दूंगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, साथ के साथ जो भी सेविंग चैलेंज होता है, ऐसा नहीं होता है कि हम वीडियो बना दिए हमारा काम खत्म हो गया। साथ के साथ सेविंग चैलेंज भी तो हमारा चलता है और बहुत सारी मेरी बहनें हैं जिन जो साथ के साथ जो जब मैं सेविंग चैलेंज देती हूँ तब तब वो भी सेविंग चैलेंज चलाती हैं। तो ऐसे जो होता है ना, ये मतलब काल्पनिक थोड़ी होता है कि कुछ भी कैसे भी कर देंगे। तो यहाँ पे ये है दोस्तों कि आपको लक्ष्य निर्धारित करना है। अब ये लक्ष्य निर्धारित का मतलब ये हुआ कि हमें जैसे कि एक साल में हमें अपना ये मतलब बनाया कि हमें 50,000 रुपए जो है वो अब सेव कर लेने हैं। अब 50,000 रुपए सुनने में तो एक बड़ा बिग अमाउंट लगता है, तो अब हमने क्या किया कि उसको हर एक मंथ में हमने कट किया। तो मान लीजिए किसी मंथ में अगर हम 2,000 कमा लेते हैं, किसी में 5,000 कमाएंगे, किसी में हम ऐसे ही करके 3,000, ऐसे ऐसे करके कमाएंगे ना, तो 12 मंथ में हमारे पास टोटल कितने होने चाहिए? 50,000। तो ये जो लक्ष्य अगर हमारा बन जाता है ना तभी हम पैसे बचा पाएंगे। दोस्तों, एट रेंडम कोई भी काम करने से ना वो काम कभी भी कुछ दिन तक हम जब तक जोश में रहते हैं करते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे हमारा जोश जब ठंडा होता है तो वो काम में रुकावटें भी आनी शुरू हो जाती है। और एक बार अगर आलस करके हमने अपना डिसिप्लिन जो है वो खत्म किया तो पैसे हमारे बच नहीं पाएंगे। जैसे कि आजकल तो ये सेविंग चैलेंज है। पहले मुझे याद है कि बचपन में हम लोग गुल्लक रखते थे दोस्तों, और उस गुल्लक पे क्या करता था कि चौक से ना उसका डेट लिख देते थे कि इस डेट से हमारा ये गुल्लक जो है वो स्टार्ट हो गया, और उसमें हम पैसे फिल करना स्टार्ट कर देते थे। और ऐसा नहीं है कि वो हमारा साल भर में ही पड़ता था। एक बार मुझे याद है कि छोटी सी मछली मेरे पास थी, वो पिगी बैंक ही थी मेरी, और उसमें मैंने बोला कि मैं इसमें पैसे डालूंगी, और वो पैसे जो है वो मतलब उसमें हम जब भी जहां से भी कुछ भी चेंज पैसे मिलते थे वो मैं उसमें
डाल देती थी। लेकिन पता है उस गुल्लक को भरने में मुझे जहाँ तक याद है कि मम्मी बताती है कि 4.5 या 5 साल लगे थे। और 4.5 5 साल में जब उस गुल्लक को तोड़ा गया था, जब वो पूरी तरह से भर गया था, थोड़ा सा उसमें शायद स्पेस थी, लेकिन फिर भी अब एक्साइटमेंट था कि कितने पैसे हो रहे हैं। तो जब उसे ब्रेक किया गया तो उसमें से 3,000 कुछ रुपए निकले थे। और उससे हमारे घर में मिक्सी उसमें परचेज किया गया, और वो मिक्सी आज भी काम आता है। हाँ, कभी कभी उसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो उसे रिपेयर करके और उसका फिर से उससे काम करवाया जाता है। तो दोस्तों ये देखिए कि एक अमाउंट जब जमा किया तो वो मिक्सी जब मैं देखती हूँ तो मुझे आज भी खुशी होती है कि वो मिक्सी जो है वो मेरे गुल्लक वाले पैसे की है। तो बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि सेविंग जो होता है ना, वो बचपन से इंसान धीरे धीरे सीखने लगता है। तो वहाँ हमारा लक्ष्य था कि हमें इन पैसों से जो भी पैसा हमारा जमा होगा तो हम एक मिक्सी जो है वो अपने घर में लेंगे। तो इस तरह से अगर आप अपना गोल फिक्स कर लेंगे ना, तो बचत करने में आपको मजा भी आएगा और ये जो बचत होगा ये रेगुलर होगा। और रेगुलरिटी रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अनुशासित होकर हम अगर सेविंग करते हैं तभी हमारे पैसे बचेंगे। तो दोस्तों अपना अपना एक एक लक्ष्य तैयार कर लीजिए। आपको अगर जिस चीज की जरूरत है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप चाह रहे हो कि मेरे 50,000 रुपये इस साल में हो जाए और उस पैसे को मैं FD कर दूं, तो आपका ये गोल हुआ। आप देखिए आपके पैसे क्यों नहीं बचेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये आता है दोस्तों कि अक्सर मैंने अपने वीडियो में कहा है कि आप जब भी शॉपिंग करें तो आप कैश शॉपिंग करें, आप नगद भुगतान करें। देखिए ये इसलिए हम करते हैं ना क्योंकि नगद भुगतान करने से ना हमारा जो एक इमोशन होता है ना वो पैसों के प्रति होता है। हमें बहुत दर्द होता है जब हमारे हाथ से पैसे निकलते हैं। आप कभी इस चीज़ को आजमाइएगा। तो ये जो दूसरा स्टेप है, ये दूसरा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के लिए नगद भुगतान नहीं कर सकते तो उस चीज़ को ना खरीदें। देखिए मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ जो आजकल के ज़माने में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आजकल हमें जब भी जिस चीज़ का ज़रूरत होता है हमारे पास प्लास्टिक मनी है, हमारे पास UPI है, हम तुरंत उस चीज़ को परचेज कर लेते हैं। मैं भी करती हूँ, लेकिन बाद में मुझे जो अफसोस होता है, जो गिल्ट फील होता है कि शायद मैं अगर वहाँ पे पेमेंट नहीं करती तो ये 2,000 ये 1,000 रुपये मेरे बच सकते थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ पे, मैंने खुद अपने आप पे ये इम्प्लीमेंट किया है, इसलिए आप लोग बता रही हूँ कि अगर आप किसी चीज़ के लिए नगद भुगतान नहीं कर सकते हैं तो उस चीज़ को बिल्कुल भी ना खरीदें। कहने का मतलब ये है कि आप जब भी शॉपिंग करने जाएं या जब भी कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ को खरीदते हैं तो आप वहाँ पे कैश में ही पैसे दें। कैश में पैसे देंगे तो पक्का है कि आपको जितनी चीज़ की ज़रूरत होगी उतनी ही चीज़ करेंगे। देखिए आपको एक चीज़ याद होगा कि बचपन में जब हम लोग कुछ छोटी मोटी चीज़ें ग्रॉसरी की या फिर दुकान से लानी होती थी ना, तो मम्मी हमें एक स्लिप देती थी और वो स्लिप जो होती थी लिस्ट, वही लेकर हम जाते थे और जो जो सामान उसमें लिखा हुआ है वही लेकर आते थे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेके आते थे। आप देखा जाए ना तो जैसे जैसे ये नया ज़माना आया है ये लिस्ट वाला सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और अब हम जाते हैं दुकान में, देखते हैं मॉल में, देखते हैं हमें लेना ये है, लिस्ट सब प्रिपेयर करके जाते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दिख जाती है वो भी उठा लेते हैं। अरे इसकी भी ज़रूरत है इसकी। याद कीजिए कि हम बचपन में कितने अनुशासित थे। अनुशासित थे तो हमारे पैसे भी बचते थे, लेकिन जब से हम कमाने लगे तब से हमारा अनुशासन भी खत्म हो गया और हमारे पैसे बचने बंद हो गए। तो दोस्तों करना यहाँ पे ये है कि आपको जब भी जाना है बाहर आपको कैश में पैसे लेके जाने हैं। अब किसी यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ सकता है कि हम कैश में पैसे लेकर जाते हैं या हमारे पास तो पैसे रहते हैं तो पैसे टिकते ही नहीं है। तो कहना यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास पैसे नहीं टिकते हैं ना, तो आप जब भी बाजार जाएं अपना वॉलेट भूल के जाएं, आप वॉलेट लेके ही मत जाइए। है क्या कि अगर आप वॉलेट नहीं लेके जाएंगे तो आपके कोई पैसे खर्च करा सकता है? कोई नहीं करा सकता है। इसलिए दोस्तों ये सब कुछ कुछ जो उपाय होते हैं ना, ये हमें अपने आप अपने अंदर ये मतलब दृढ़ संकल्प लेना होगा कि हमें पैसे बचाने हैं तो हम पैसे ऐसे ऐसे तरीके से चलेंगे तो हमारे पैसे ज़रूर बचेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने आपको दो ऐसे पॉइंट बताए जिनसे हमारे पैसे ज़रूर से ज़रूर बचेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।